हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीता बिश्नोई। आज हम लोग ये स्पाइडर प्लांट्स के स्पाइडर्स का देखेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। ये इनके स्पाइडर्स हैं जो इन्होंने थ्रो किए हुए हैं, और इनमें एक खूबी है कि इनमें रूटिंग हुई हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला कंटेनर लिया है, और जो ये स्पाइडर्स हैं ये आपके प्लांट में तभी निकलना शुरू होंगे जब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। इस प्लांट को मैच्योर होने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। कोशिश करें जब स्पाइडर्स लगाते हैं तो थोड़े छोटे कंटेनर में लगाएं, बहुत बड़े कंटेनर में ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती। ये वाला देखिए, ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है, ये बहुत बड़ा प्लांट है। तो सबसे पहला यूज़ हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैं एक स्केले स्टिक लेके आई हूँ, और ये एल्यूमिनियम की है, थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो इसको मैं DIY एक मोस्टिक जैसे बनता है ऐसे बना लेती हूँ। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है खाली सिंपल जूट थ्रेड, और जूट थ्रेड से पूरा इसको वाइंड कर लूँगी। ये एल्यूमिनियम स्टिक को थोड़ा ठीक रखने के लिए, बहुत गर्म ना हो ताकि प्लांट के लिए, ये मैंने सिंपल जूट थ्रेड इसमें चारों तरफ बांध दिया है। और ये यहाँ से छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ तो ये ज़मीन पे ही चला जाएगा, और ये ऐसे करके हम लोग इसमें लगा देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लांट के जितने भी ये स्पाइडर्स हैं इनको ऊपर लेके हम लोग, ये देखिए ऐसे ऊपर लेके, और ये भी जूट थ्रेड में लेके आई हुई हूँ बांधने के लिए। जूट ही यूज़ करें प्लांट के लिए, जूट बेस्ट रहता है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि अगर आपके घर गिलहरी है तो वो गिलहरी इसको काट लेती है। बस इसको मैंने सिंपल टाई कर दिया है, और देखिए इसकी लुक ही फ़र्क हो गई है एकदम। अब देखिए, अब इसकी लुक ही फ़र्क हो गई है एकदम, एकदम डिफरेंट हो गया है। और इसमें सारे जितने भी स्पाइडर्स हैं ऊपर बांध दिए हैं। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हम लोग ने लेके आए हैं, सिंपल पानी की बॉटल लेके आए हैं, सिंपल एक ग्लास जार है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक स्पाइडर काट के, सिंपल छोटा सा स्पाइडर काटेंगे और इसको पानी में ग्रो करेंगे। और जब तक ये अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ता, और या आप घर में सजाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन है। अब इसमें मैंने पानी ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर पानी ना हो तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, बस इतना पानी डालें कि इसकी रूट्स डिप्ड रहें और इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये स्पाइडर्स को हम लोग सॉइल लेयर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये मैं सिंपल पॉटिंग सॉइल लेके आई हूँ इसमें, और ये जो स्पाइडर है जिसमें बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके ये इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी, और जब ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब आप इसको इजीली यहाँ से स्नैप आउट कर सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ स्पाइडर बना हुआ है, ये ऐसे करके है, ये है, और ये सॉइल लेयरिंग कहलाता है। और बस यहाँ पर ये प्लांट बन गया है, अभी इसको काटूंगी नहीं ये कॉर्ड को, जब तक कि ये अच्छे से इस्टेब्लिश ना हो जाए। जब ये थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा 10 दिन में, तब तक ये थोड़ा कनेक्टेड रखेंगे और पास पास रखेंगे, और कनेक्शन हो गया उसके बाद इसको यहाँ से आप काट सकते हैं। तो देखिए, एक ही स्पाइडर प्लांट से आप कितने स्पाइडर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये तरीका बहुत ही डिफरेंट है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।